नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा में चल रहे सियासी संकट की। जी हां, आपको बता दें कि अब तक जो सियासी संकट महाराष्ट्र में छाया हुआ था, सियासी संकट के चलते जिस तरह से महाराष्ट्र में तख्ता पलट देखने को मिला, अब ये सियासी संकट आगे खिसक कर पड़ोसी राज्य गोवा में पहुंच गया है। जी हां, आपको बता दें कि गोवा कांग्रेस में शुरू हुआ संकट थमा नहीं है और इसी बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। इसे बीजेपी के इस ऑपरेशन को फ्लॉप ऑपरेशन कमल बताया है। इसके साथ पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत पर भी बड़े आरोप कांग्रेस ने यहां पर लगाए हैं। आपको बता दें कि बीते रविवार को पार्टी के कई नेता संपर्क से बाहर हो गए। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि जल्द ही दल बदल वाली स्थिति जो महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, वो अब शायद गोवा में भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, अब इसी पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें वो कहते हैं, हमें पता है कि हमारे वफादार लोग कौन हैं और दल बदलू लोग कौन हैं। उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने एक और कोशिश की लेकिन बुरी तरह असफल हो गई। जी हां, आपको बता दें, इसके आगे प्रदेश प्रभारी कहते हैं, दबाव के बावजूद हमारे युवा और पहली बार के विधायक साथ हैं। ये साजिश एक महीने से चल रही थी लेकिन हमारे विधायक अपने आप में ही जमे रहे। साथ ही आरोप लगाए कि विधायकों को खदान, कोयला और उद्योगों समेत कई जगहों पर दबाव डाला गया। राव ने पुष्टि की है कि कांग्रेस के पास 7 विधायक हैं। इसके साथ ही उन्होंने 4 नेता पार्टी के साथ नहीं है। जी हां, इनमें माइकल लोबो, दिगंबर कामत, केदार नाइक और दिलालिया लोबो का नाम शामिल है। उन्होंने कहा, ये शर्मनाक है कि कैसे बीजेपी धनबल और मंत्रियों को लुभाने के लिए कितना नीचे गिर गई है। इसी के साथ कांग्रेस को खत्म करने का आरोप भी यहां पर राव ने बीजेपी पर लगाया। आपको बता दें कि कहा, बीजेपी का ऑपरेशन कमल असफल हुआ, उन्होंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। कांग्रेस नेता ने समझाया कि महाराष्ट्र की तरह बीजेपी ने पार्टी को 2/3 में बांटने की कोशिश की, इसके लिए 25 से 33 पर ले जाने के लिए योजना भी बनाई थी, लेकिन गोवा में ऑपरेशन कमल असफल हो गया है। यहां पर उन्होंने साथ ही कामत और लोबो पर लगातार हमला बोला। लगातार कांग्रेस इस सियासी फेरबदल से इनकार कर रही है, लेकिन सियासी संकट की जो खबरें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि जो बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में सियासी संकट के चलते देखने को मिला, शायद जल्द ही कांग्रेस में भी ऐसा ही गोवा राज्य में देखने को मिल सकता है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।